तो भाई लोग राइटर्स और एक्टर्स स्ट्राइक ने तो ऑलरेडी हॉलीवुड को उसके घुटनों के बल बिठा दिया है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी अब रिसेंटली किसी भी फिल्म पर काम नहीं चल रहा है और जो मूवीज ऑलरेडी इन प्रोडक्शन थी उनको भी डिले कर दिया गया है। और ऐसे में अपने डीसी के हालात कुछ ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। जेम्स गन के स्लेट अनाउंस करने के बाद द फ्लैश मूवी आई थी जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मूवी को वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स इन द हिस्ट्री ऑफ हॉलीवुड भी कंसिडर किया जा रहा है। ऐसे में चल रहे इन बुरे हालात के बीच में एक रोशनी की किरण नजर आ रही है डीसी की आने वाली मूवी अपने चहेते जेसन मोमोआ की आने वाली फिल्म एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम की शक्ल में, जिसका ट्रेलर आ चुका है, मैंने देख भी लिया है और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम के ट्रेलर का और मैं बताऊंगा तुम्हें व्हाई दिस कैन बी द लास्ट होप ऑफ कमबैक फॉर डीसी स्टूडियोज। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। How was the trailer? अब भाई लोग मुझे पर्सनली ट्रेलर काफी तगड़ा लगा। Aquaman 1 मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी एंड इट वॉज DC's वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज विच मेड वेल ओवर $1 billion। तो यहाँ पर डायरेक्टर जेम्स वॉन ने वही सेम टोन और टेम्परमेंट रखा है मूवी का जो कि ट्रेलर देखकर नजर आ रहा है, विच वर्क्स परफेक्टली फाइन फॉर मी। अब जहाँ तक मूवी की कहानी की बात है तो ट्रेलर में हमें बताया जाता है कि Aquaman 1 के इवेंट्स के बाद 4 साल गुजर चुके हैं, जहाँ पहले अपना आर्थर बेघर बेकार और बेरोजगार था तो वहाँ अब वो एक बच्चे का बाप और पूरे एटलांटिस का माई बाप यानी कि किंग बन चुका है। कॉमिक्स में आर्थर के बच्चे को एक्वा बेबी करके रेफर किया जाता है जिसमें भी एक्वामैन की तरह बहुत सारी पावर्स होती हैं। फिर यहाँ में इंट्रोड्यूस कराया जाता है ब्लैक मैंटा से जो कि इस मूवी के मेन विलन है, जिसके सर पर बदले का भूत सवार है और वो आर्थर और उसके करीबी हर एक को तबाह करना चाहता है अपने बाप का बदला लेने के लिए, और इसी बदला लेने की फिराक में उसके हाथ लग जाता है ब्लैक ट्राइडेंट। अब एक्वामैन का ट्राइडेंट गुडनेस का सिंबल है, वैसे ही ये भी एक ब्लैक ट्राइडेंट है। जहां में इस ब्लैक ट्राइडेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड ये बताया जाता है कि किंग एटलन के टाइम पर टोटल 7 किंगडम हुआ करते थे और ये 7th one बाकी 6 के लिए किसी कर्स की तरह था, मोर लाइक अंडरवर्ल्ड। और जहां तक ये ट्रेलर देखकर मुझे समझ आई है कि ये ट्राइडेंट जरूर किसी किस्म का ब्लैक मैजिक या इविल सोल को पोजेस करता है, क्योंकि हमें ट्रेलर में इस चीज की प्रॉपर फील दी गई है कि ये ट्राइडेंट ना सिर्फ ब्लैक मैंटा को पावर्स देता है बल्कि उसके माइंड हार्ट और सोल को भी करप्ट कर देता है। जहां हो सकता है कि पहले तो ब्लैक मैंटा का मकसद सिर्फ आर्थर से बदला लेना हो, लेकिन अब चूंकि ही इज करप्टेड बाय द ब्लैक ट्राइडेंट तो अब वो पूरे एटलांटिस को उसके घुटनों पर बिठाना चाहता है। और ट्रेलर में थोड़ा आगे जाते हुए हमें यहां पर एक्वामैन का नया सूट भी दिखता है, जिसका रेफरेंस अगर कॉमिक से लें तो ये एक स्टेल्थ सूट है। और यहां हमें ओशन मास्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि शायद कहीं पर कैद थे और आर्थर उनको छुड़ाने के लिए आया होगा ताकि वो उसकी मदद कर सके टू डिफीट ब्लैक मैंटा। स्टेक्स हाई लग रहे हैं, जाने दांव पर लगी हैं और अब आर्थर सबको बचा पाएगा या नहीं ये तो मूवी के रिलीज पर ही पता चलेगा। लेकिन एक और चीज जो इस ट्रेलर में गायब थी वो थी एम्बर हर्ड। अब सबको पता है कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस जब से एम्बर हर्ड हारी है तब से बैकलैश उनका मुकद्दर बन चुका है और इस मूवी को भी इसी वजह से बहुत सारा बैकलैश मिला। तो डायरेक्टर ने क्या किया, ट्रेलर में दिखाया ही नहीं एम्बर हर्ड को। और जहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी मानी जाए तो मूवी से एम्बर हर्ड का अच्छा खासा रोल कट कर दिया गया है। मैं तो कहता हूँ निकाल ही देते मूवी से तो अच्छा होता। हाउ दिस मूवी इज इम्पोर्टेंट फॉर डीसी यूनिवर्स, तो भाई इस टाइम पर डीसी को एक अच्छी हिट की सख्त जरूरत है चीजों को ब्रेक इवन करने के लिए। स्टूडियो की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं है और कर्जों में स्टूडियो डूबा हुआ है। जहाँ डीसी वालों को लग रहा था कि द फ्लैश से वो लोग एक कमबैक करेंगे तो वो प्लान भी उनका ओंधे मुंह गिर पड़ा। और अगर रिपोर्ट्स की बताऊं तो खबरें ये भी आ रही हैं कि इस वक्त डीसी स्टूडियोज को अपने कर्जे उतारने के लिए अपने एसेट्स को बेचना पड़ रहा है। ऐसे में अगर एक्वामैन ऑडियंस के साथ क्लिक करती है और जैसा बिजनेस पहले पार्ट ने किया था वैसा ही कुछ करती है तो ये डीसी स्टूडियोज और उनके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। द कंक्लूजन, अब भाई लोग ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन पिक्चर कैसी होती है ये तो हमें December 20th, 2023 को ही देखने को मिलेगा। कुछ चीजें हैं जो कंसर्निंग है इस मूवी को लेकर, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है एम्बर हर्ड की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट के साथ। और इस टाइम डीसी इज रियली डेस्परेट टू गेट अ हिट
under their banner's name. And if DC manages to pull this off and the movie is actually really good, तो DCU के आने वाले फेज को भी एक बहुत ही अच्छा जंप स्टार्ट मिल जाएगा जो कि उनको स्टार्टिंग में बिल्कुल रिक्वायर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारे क्या कहने हैं एक्वामैन 2 के ट्रेलर के बारे में और तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।